So hello everyone, welcome and welcome back to our channel. So this video is going to be cleaning my personal space because यहाँ पे बहुत ज़्यादा dust आ चुकी है. वैसे मैं हर week साफ कर देती हूँ, but this week मतलब मेरा सारा सामान इधर उधर हुआ हुआ है. So I have to clean this and बस let me show you कि क्या हाल हो रहा है यहाँ पे. If I show you, so यहाँ पे है हमारे कृष्ण जी का मोर पंख. सो आई एम गोना कीप इट अ साइड बिकॉज ये टूट ना जाए ना, इसलिए. सो यस, यहाँ पे है हमारा ब्लैक बोर्ड. यहाँ पे हमने लगाई हुई है ये ग्रास. यहाँ पे कितना ज़्यादा वो है सामान डला हुआ है, मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ देखो. एंड इधर की साइड में ये देखो, यहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है, यू कैन सी क्लियरली. और देखो सारे, मतलब मैंने अभी अभी पिछले वीक क्लीन किया है और देखो कितनी मिट्टी आ गई यहाँ पे फिर दोबारा से देखो. एंड आई जस्ट हैव टू क्लीन इट. अगर मैं आपको ड्रॉर्स दिखाऊँ तो ये देखो, ये ऐसे सामान पता नहीं खिल रहा हुआ है, इधर उधर हो गया है सब कुछ. देखो यहाँ पे भी कितनी बार धूल आ गई है. ये तो बिल्कुल ही, मतलब इसका तो हो ही गया है काम, इसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान से साफ करना पड़ेगा. ये देखो, ओह माय गॉड, ये मेरा क्राफ्ट बॉक्स है और ये तो नीचे वाला था, मतलब कुछ ही मत. जो यहाँ पे भी है, अब मुझे सब कुछ उठा कर साफ करना पड़ेगा. एंड आई एम जस्ट प्लानिंग टू चेंज एंड थोड़े से यहाँ पे मोटिवेशन थाट्स लगाऊँ एंड ऑल, बट यस लेट्स गो विद द फ्लो. नाउ आई एम जस्ट क्लीनिंग ऑल द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड एंड टेकिंग आउट ऑल द स्टफ. ओके एट दिस, मैंने सारा यहाँ पे उठा दिया सामान. सो नाउ अब देखो यहाँ पे जो मिट्टी आई हुई है पूरी, इसको मुझे क्लीन करना होगा और ये सारे ड्रॉर्स निकाल के करूँगी मैं क्लीन अभी. सो मैंने इसके सभी बॉक्सेस निकाल लिए और ये देखो कितना हल्का और खोखला हो चुका है ये. एंड अब मुझे इसको क्लीन करना होगा बिकॉज इसके पीछे देखो कितना गंदा है. अब मैं इसको साइड पे लेके जाके क्लीन करूँगी. मैं इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कि मैं कब सफाई करूं एंड जस्ट गोना चेंज द लुक ऑफ माय पर्सनल स्पेस बिकॉज आई जस्ट वांट समथिंग डिफरेंट. सो मैंने इसको क्लीन कर दिया है एंड नाउ वी हैव टू क्लीन दिस ऑल द बॉक्सेस बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है एंड जो भी हमें लगेगा कि सामान बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है एंड वी आर जस्ट गोना थ्रो इट इन दिस बॉक्स. So yes, let's start cleaning this. I'm just thinking to clean this first because इसमें भी बहुत ज़्यादा गंद डला हुआ है. इसमें तो है, बाकी सब में तो है ही, बस इसमें मुझे ज़्यादा लग रहा है. So I'm just gonna clean this first. Now I'm just taking out all the सामान जो मैंने इसमें डाला हुआ था. देखो इसमें कितना ज़्यादा डस्ट आ चुकी है, अब मुझे इसको क्लीन करना होगा और इसमें से ये फालतू का सामान निकला है. Now I'm doing dusting and arranging all the stuff. जो मुझे लग रहा था that is not useful, I just thrown it. So मैंने इसको ऐसे organize किया है. You can see now I'm gonna clean this one drawer. इस drawer में इतनी ज़्यादा stationery, pens, pencils, बहुत कुछ रखा हुआ है. So देखो ये इतने सारे pens हैं मेरे पास पड़े हुए, सारे चलते भी हैं, इसमें से कुछ नहीं चलते होंगे. सो मैं इसको फेंक दूँगी और ये सारा सामान इसमें से निकला है. अब मैं इसमें सारा कुछ सेटल करने वाली हूँ और आपको भी बताती हूँ मैं कैसे सेटल कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें रखने वाली हूँ. अब मैं यहाँ पे पेंस रख रही हूँ, दीज आर लास्ट पेन. ये है हमारे मार्कर, ये मेरे पेंस की कलेक्शन है. ये लिपस्टिक वाला पेन यहाँ पे, शुगर को तो हार लगे. एंड देन मैंने ये क्यूट सी वीडियोस डायरी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट है. देखो इट्स
सो इसको मैं एज ए मेमोरी साइड पे रख देती हूँ. दिस इज हाउ आवर बॉक्स लुक्स लाइक. ये देखो ऐसा लग रहा है. अब हम करेंगे अपना ये ड्राइंग्स वाला बॉक्स क्लीन. इस ड्रॉअर में मेरी सारी स्केच बुक्स, डायरीज और नोटपैड्स पड़े हुए हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ. सो ये सारा सामान है. इसमें 3 BTS डायरीज हैं, यूनिकॉर्न डायरी है और ये सब कुछ 2 स्केच बुक्स हैं. जैसे कि आपको पता है मुझे कलर्स बहुत पसंद है. सो इस ड्रॉअर में सिर्फ और सिर्फ मैंने कलर्स रखे हुए हैं. सो मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया है. यहाँ पे मेरे पास पोस्टर कलर्स एंड ऑल. मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया है, यू कैन सी. एंड यहाँ पे जो ये सारा सामान है, अभी मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रखूँगी एंड देन वी आर गोना सी कि ये कैसा लगता है. मैं सोच रही हूँ कि इसको ऐसे रखूँ एंड यहाँ पे कुछ स्टिकी नोट्स लगा दूँ, मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह. ये हमारे स्टिकी नोट्स एंड यहाँ पे भी है. सो यहाँ पे मैं मोटिवेशनल थॉट्स लिखूँगी एंड देन आई एम गोना पेस्ट हियर. सो दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट. मैंने सारा कुछ साफ कर दिया था एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किए हैं स्टिकी नोट्स पे मोटिवेशनल थॉट्स एंड दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट वॉल आई थिंक सो. यहाँ पे मैंने लिखे हैं थॉट्स दैट इज़ लिटरली वेरी मोटिवेटिंग. और यस दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई होप यू लाइक्ड इट. सब्सक्राइब.